Hi all, welcome back. Welcome to the new lecture, and this is Purvisha. Today in this video, we will see the statement and course of action. See, हम लोगों ने इससे पहले basic समझा है और अब critical reasoning के जो parts होते हैं, statement assumption होता है, statement conclusion होता है, statement argument होता है और उसी series में और एक topic होता है statement and course of action. तो आज जो है मैं आपको statement and course of action के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझाऊंगा, क्या ट्रिक्स, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं उन सबके साथ. तो इससे पहले एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि मैंने जो क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिक का एक लेक्चर लिया हुआ है, तो जिन लोगों ने भी वो वाला लेक्चर नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट देम काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन इफ यू कम टू दिस वीडियो, आई थिंक लाइफ जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा. किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए. क्योंकि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें समझनी है, वो सारी मैंने वहां पर डिटेल में बताई है. यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया बताया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, बट इसको खाली मैं जल्दी से गो थ्रू करूंगा. वी विल नॉट बी स्पेंडिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, बिकॉज इन दिस लेक्चर आई विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम रादर देन गोइंग ऑन द बेसिक्स. करेक्ट? तो आई होप कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया है और उसके बाद आप अब मेरे साथ ये वाला वीडियो आप देख रहे हो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का. तो सबसे पहली चीज हमें अब यहाँ पर ये समझनी है, कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज आफ्टर द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट जो होंगे, हम लोग ये मान के चलते थे कि स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज करेक्ट, उसके ऊपर डाउट नहीं रेज करते हैं. गिवन स्टेटमेंट से अजम्पशन जो है ये हमेशा पहले होते हैं, जबकि कोर्स ऑफ एक्शन जो होंगे वो बाद में होगा. तो एक स्टेटमेंट होगा, फिर उसके ऊपर से क्या एक्शन लेना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन में, है ना. अब यहाँ पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो स्टेटमेंट के बाद में क्रोनोलॉजिकली टाइम बेस्ड कोर्स ऑफ एक्शन आता है. खाली आपको कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, प्लीज डू नॉट रीच टू द कंक्लूजन. मतलब एक माइंडसेट रेडी नहीं कर लेना वो जो भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर से. देन इट शुड बी मिनिमाइज. अब टिपिकली यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स होंगे ना, उस स्टेटमेंट के में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए होंगे, या तो कुछ सिचुएशन या तो सिनारियो दिए होंगे. अगर प्रॉब्लम है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम को या तो सॉल्व करेगा, सॉल्व अगर ना भी कर पाए तो मिनिमाइज तो करेगा ही करेगा, या तो अगर कोई सिचुएशन है तो वो सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा, सिचुएशन में बेटरमेंट जो है वो लेकर आएगा. फिर कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधर से दूसरा प्रॉब्लम आ जाए, है ना. कभी कभार हम लोग ऐसा बताते हैं ना कि चूहा निकालने बैठे थे और हाथी उसकी जगह पर अंदर चला गया. तो छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा एक्शन सजेस्ट करा कि बड़ा वाला प्रॉब्लम आ गया. तो दैट शुड नॉट हैपन. वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट. फिर जब आप प्रॉब्लम के वॉट एवर दी कोर्स ऑफ एक्शन पर जा रहे हो, उस टाइम पर प्लीज मेक श्योर कि आपके जो भी पर्सनल चॉइसेस, लाइकिंग्स, बायसेस है वो बीच में नहीं आने चाहिए. और कोर्स ऑफ एक्शन काफी जनरलाइज नेचर के होने चाहिए. ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व करता है ना, वैसे आपको सॉल्व करना है. वो आगे मैंने थिंक लाइक अ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या तो कुछ क्वेश्चंस के लिए, वो चार पांच क्वेश्चंस के लिए आपको क्या बनना है, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बन के सोचना है ना. वो नायक मूवी में पता अनिल कपूर को एक दिन का मौका मिला था, यहाँ पर आपको खाली चार पांच क्वेश्चन का मौका मिलेगा, दैट्स इट. फिर कहीं पर भी ऑल या ओनली आता है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होता है. फिर अगर इफ है तो वो कंडीशनल है, मतलब वो भी रॉन्ग होता है. जरूरी नहीं है कि वो चीज या वो एक्शन आप लोगे. फिर कोई एक ने किसी कोई एक एक्शन लिया है कहीं एक जगह पर तो आप भी उसको ही फॉलो करोगे, वो नहीं होता है. कोई भी एक्शन इसलिए लिया जाएगा क्योंकि उसके पीछे लाइकिंग है, वो सस्ता है या महंगा है, इसलिए नहीं होगा. फिर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन जो भी है वो वायबिलिटी, फिजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे और वो रीजनेबल होना चाहिए, है ना. कुछ भी नहीं, लाइक इंडिया जो है वो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, 30% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन. तो कोर्स ऑफ एक्शन सबको जाके 10-10 लाख रुपए दे के आ जाओ ताकि सब लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, तो ये लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है. सबको एजुकेशन देने की ट्राई करो, सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ट्राई करो, ऐसे हिसाब से आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. तो प्रॉब्लम है तो उसको कम करिएगा. अगर पूरा एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो एलिमिनेट कर पा रहे हो तो कर लीजिए, करेक्ट.
फिर जब आंसर कर रहे हो तो एक्शंस ऐसे लेना कि वो ज्यादातर केसेस में नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना, एंड दे शुड नॉट बी वेरी हार्श आइदर। लाइक कोई एक कंपनी है, अब कंपनी में ये प्रॉब्लम है कि कंपनी पिछले 4 महीनों से लॉसेस में जा रही है, अब आगे लॉस बेयर कर सके ऐसी कंडीशन नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या, एक्शन क्या? तो इसमें ऐसा एक्शन मत देना कि कंपनी बंद कर दो और क्या, है ना, या सबको जॉब में से निकाल दो, आस्क एवरीवन टू गो टू दैट प्लेसेस। तो ये हार्श एक्शंस है, इमीडिएटली ऐसी चीजों पर नहीं जाते हैं। दूसरी प्रोडक्ट ट्राई करो, अदर वे से सेल्स ट्राई करो, ये सबको बोलो दे शुड बी वर्किंग 2-3 आवर्स मोर विद द सेम सैलरी, या सबका सैलरी ज्यादा से ज्यादा 20% कट करने की कोशिश करो, बट सबको जॉब से नहीं निकाल सकते या कंपनी बंद नहीं कर सकते। तो दोज आर नेगेटिव थिंग्स, दोज आर हार्श एक्शंस, प्लीज डोंट टेक दोज काइंड ऑफ एक्शंस, है ना। चाहे आपका नेचर ऐसा हो कि सर हम तो इस पार उस पार में बिलीव करते हैं, बीच में कहीं नहीं, है ना, तो इस पार उस पार में अगर आप बिलीव करते हो तो कर सकते हो, बट वो आपके पर्सनल चॉइसेस लाइकिंग्स है। यहाँ पर पर्सनल चॉइसेस लाइकिंग जो है वो बीच में नहीं आने चाहिए, नो पर्सनल चॉइसेस और लाइकिंग। सो आंसर आपके जनरलाइज रहेंगे मेरे साथ, तो ये बेसिक था इसका, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, फॉलोड बाय दैट स्टेटमेंट दैट विल बी कोर्स ऑफ एक्शन, और आपको ए बी सी डी ई मार्क करना है। ए का मतलब है खाली ये पहला वाला राइट, बी का मतलब है दूसरा राइट, सी का मतलब है आइदर वन और टू, डी का मतलब है नाइदर, और ई का मतलब है दोनों एक साथ करेक्ट है। दूसरी एक चीज आपको क्रिटिकल रीजनिंग में ये याद रखनी है कि आइदर और यहाँ पर बड़े रेयर केस में आएगा, बड़े ही रेयर केस में आ सकता है, मैं ना नहीं बताता हूँ, लेकिन बहुत रेयर होता है। कोर्स ऑफ एक्शन या कंक्लूजन में अभी भी चांसेस है, बट स्टेटमेंट अजम्पशन में तो ये आप मान के चलना कि आइदर और कभी आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आप सी आइदर और का मतलब होता है फर्स्ट राइट है तब सेकंड रॉन्ग, सेकंड राइट तब फर्स्ट रॉन्ग। तो बड़े रेयर केस में आप ऐसा कुछ सोच पाओगे किसी एक चीज के बारे में। सो प्रैक्टिकली जब क्रिटिकल रीजनिंग है तो आइदर और के चांसेस कोर्स ऑफ एक्शन कंक्लूजन में है, बट मुश्किल से 1-2% चांस, बस उससे ऊपर नहीं, और स्टेटमेंट अजम्पशन में तो आइदर और आता ही नहीं है, 0.0% में पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादातर केसेस में 4 ऑप्शन मान के ही चलने हैं। विथ मी, समझ रहे हो बच्चों? लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट में है सी, पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद प्लीज पॉज द वीडियो, यू मार्क द आंसर एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू सी ए माय आंसर। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था, हर एक के अंदर मैं क्वेश्चन देता, 20 सेकंड का 30 सेकंड का टाइमर रखता, आप सॉल्व करो फिर मैं जाता, बट वो मुझे लॉजिकल नहीं लगता, वो 30-30 सेकंड क्या करता, मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो ताकता रहता, है ना। सो और अननेसेसरीली फिर 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का होगा, मतलब मैंने बहुत पढ़ाया बहुत पढ़ाया, तो आई डोंट बिलीव इन दैट बॉट पढ़ाया वाला लॉजिक, है ना। बहुत पढ़ाना काम नहीं है मेरा, अच्छा पढ़ाना काम है, देयर इज अ डिफरेंस। तो इसलिए ए सजेशन ये है कि प्लीज लुक एट अ स्टेटमेंट, पॉज, मार्क आंसर, देन टैली विद व्हाटएवर आंसर आएगी। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, द सेक्रेटरी लेमेंटेड। लेमेंटेड का मतलब होता है शोक, या तो वो कोई चीज आपको अच्छा नहीं, है ना, आप थोड़े मतलब दिलगिर हो, थोड़े मायूस हो, तो वैसा। द सेक्रेटरी लेमेंटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉज लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड दैट इट शुड ट्राई टू रीगेन इट्स बाय एस्टैब्लिशिंग बेटर कम्युनिकेशन विद द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स। He also emphasized need for training to improve the functioning. ज्यादातर केसेस में जैसे मैंने बताया problematic cases ही आएंगे, इसीलिए तो problem है तभी तो उसका action या तो solution चाहिए ना, समझ रहे हो, correct? तो अब course of action क्या लेंगे यहाँ पर? Effort should be made to get organized feedback on the program. तो feedback आने से क्या फर्क आता है? Feedback आने से आपको कहाँ पर सॉल्यूशन या कहाँ पर इम्प्रूवमेंट है वो पता चलता है, तो फीडबैक लेना हमेशा अच्छी बात है ना। इसीलिए तो इसके बाद में हम लोग भी नहीं बताते वीडियो के बाद में, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, किसी को बताइएगा क्या पढ़ना है, कमेंट करिएगा, वो इसलिए होता है ताकि हमें फीडबैक, मुझे पता है ज्यादातर लोगों को कंटाला आता है, मजा नहीं आता, वो सब कौन करे, बट वो इसीलिए होता है सो दैट वी गेट अ फीडबैक, चल क्या रहा है मतलब। अब सेकंड में है, क्रिटिकल एरियाज इन विच द स्टाफ रिक्वायर ट्रेनिंग
should be identified. ये भी करेक्ट है, जितना ट्रेनिंग दिया जाएगा उतना हमेशा अच्छा सीखते हैं, उतनी एफिशिएंसी बढ़ती है, उतनी एरर रिड्यूस होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है ना, तो दोनों चीजों से फंक्शनिंग इंप्रूव होगा, और फंक्शनिंग इंप्रूव होगा तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको क्या लगता है, दोनों काम के है कि दोनों काम के नहीं है? आई बिलीव यहाँ पर तो आंसर मार्क कर लेते हैं क्या, हाँ बोथ फॉलोज का ई है ना, सॉरी मैं वो भूल गया था, तो दोनों काम के है मतलब उसका आंसर मार्क करूंगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कोर्ट स्टे टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये प्रॉब्लम आया कि कोर्ट्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट कोर्ट शुड बी ऑर्डर्ड टू स्पीड अप द मैटर्स, है ना, उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा जल्दी करो, तो लॉजिकल है। और दूसरा है स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू सेटल द डिस्प्यूट कंसर्निंग टू देयर डिपार्टमेंट। दोनों लॉजिकल है, हर एक चीज कोर्ट के पास जानी क्यों चाहिए, है ना, तो कुछ चीजें ऐसी है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटल होनी चाहिए, या कुछ चीजें ऐसी है जिनके अब कोर्ट्स भी काफी सारे नंबर ऑफ वेज से ऐसी सारी चीजें आउट ऑफ कोर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करती है, या छोटी छोटी चीजें तो ऑफिसर्स को इतना पावर कर दो कि वो लोग अपने हिसाब से वो सारे डिस्प्यूट सेटल कर पाए। तो दोनों लॉजिकल है, दोनों करेक्ट है ना, सॉल्यूशन के लिए ई। स्टेटमेंट में बताया सर्टेन माइनिंग इंडस्ट्रीज इन गुजरात में कम टू स्टैंडस्टिल, है ना, माइनिंग जो है वो गुजरात में स्टैंडस्टिल हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बैनिंग द माइनिंग ऑपरेशंस एंड इंडस्ट्रीज अलाइक विद इन 25 किलोमीटर ऑफ द नेशनल पार्क द सेंचुरीज एंड द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया है कि नेशनल पार्क या तो सेंचुरी या तो फॉरेस्ट है ना, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है या तो फॉरेस्ट है, उसके 25 किलोमीटर तक के एरिया में इमीडिएट बेसिस पर सारे माइनिंग का काम बंद कर दो। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि माइनिंग से पॉल्यूशन होता है, इसलिए तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या, डिपार्टमेंट शुड बी आस्क्ड टू इमीडिएटली विथड्रॉ द नोटिफिकेशन, है ना, डिपार्टमेंट को बोलो कि ऐसा नोटिफिकेशन नहीं इश्यू करे और माइनिंग कंटिन्यू करने दे। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, है ना, एनवायरमेंट is first, और वो भी नेशनल पार्क या तो सेंचुरीज या तो फॉरेस्ट रिजर्व है, तो आपको उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट इसको वापस नहीं ले सकता है, वो लॉजिकल नहीं है। सेकंड, गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू शिफ्ट द पार्क सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट टू अदर नॉन माइनिंग एरियाज। ये भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है ना, फॉरेस्ट थोड़ी शिफ्ट होगा, बोले पूरे का पूरा फॉरेस्ट एक काम करते उधर लेके जाते, या तो सेंचुरी, है ना, मतलब गुजरात में जो गीर फॉरेस्ट है, मान ले जहां पर एशियाटिक लायंस होते हैं, तो मान लेते हैं उनको एक काम करते हैं गीर से दूर लेके अहमदाबाद या मुंबई लेके चलते हैं या दिल्ली, तो लॉजिकल है, नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में से एक भी क्वेश्चन मतलब कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकल नहीं है, बोथ रॉन्ग में आएगा आंसर डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। देर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन्स ड्यू टू लैंडस्लाइड इन द हिली एरियाज व्हिच कॉज लॉस ऑफ मेनी लाइव्स। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, है ना, या क्या करना चाहिए उसके बारे में चेक करते हैं। द रेलवे अथॉरिटी शुड अरेंज टू डिप्लॉय पायलट इंजिन्स बिफोर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स इन द हिली एरियाज टू अलर्ट द ट्रेन्स इन द केस ऑफ एनी लैंडस्लाइड। तो जो पैसेंजर ट्रेन चल रही है उससे पहले एक पायलट इंजिन खाली दौड़ाओ ताकि वो आगे का सिनेरियो देखता जाए, है ना, लॉजिकल है। फिर बताया रेलवे अथॉरिटी शुड स्ट्रेंथन द हिल स्लोप बाय पुटिंग आयरन मेशेस सो दैट लूज बोल्डर्स डू नॉट फॉल ऑन द ट्रैक। ये भी लॉजिकल है, बट इस केस में मैं इसको आइदर और मार्क करूंगा, है ना, मैंने बताया था कि 1-2% होता है कोर्स ऑफ एक्शन कंक्लूजन में, और जानबूझकर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लाना था। सी दोनों लॉजिकली है लेकिन एक साथ करने की जरूरत नहीं है, कि एक काम करो आयरन मैशेस रखो और आप क्या करोगे, सी आयरन मैशेस का मतलब होता है जालियां बिठा दो, जो हिली एरिया है ना यहाँ पर आयरन की पूरी जालियां बिठा दो ताकि वो वहां से लैंडस्लाइड होके पत्थर नीचे नहीं गिरे। अगर ऐसा कर रहे हो तो इंजिन दौड़ाने की जरूरत नहीं है,
और अगर इंजन दौड़ा रहे हो, सी इसमें पैसा लगता है बहुत सारा, तो इफ यू फील इंजन दौड़ा के खत्म कर दो, ये नहीं करना है तो वो कर दो, बट आइदर और है, एक साथ दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन दौड़ा रहे हो तो आयरन मैश नहीं, आयरन मैश लगा रहे हो तो इंजन फिर नहीं दौड़ाना पड़ेगा। सो दिस इज आइदर और, करेक्ट? आइदर और का हमारा क्या था, ऑप्शन सी था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया टुडे इज मिडस्ट्रीम इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इन द लास्ट 60 इयर्स देयर हैज बीन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द मॉर्टालिटी, है ना? व्हाइल फर्टिलिटी हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट 20 इयर्स, द कंसीक्वेंस इज दैट देयर हैज बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ओवर 50 इयर्स। सी ऐसा बताया है कि पिछले 6 साल में मॉर्टालिटी रेट कम हो रहा है, मतलब अब लोग ज्यादा एज तक जीते हैं, सीधी सी बात है ना, ज्यादा मेडिकेशन अवेलेबल है, ज्यादा हेल्थ केयर, ज्यादा टेक्नोलॉजी, तो ज्यादा जिएंगे लोग। और फर्टिलिटी कम हो रही है, मतलब यंग एज में फर्टिलिटी कम होना मतलब दी बेबी, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं वो यंग एज में कम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ है 50 साल से ज्यादा वाली उम्र में, है ना? ऐसा बताया है, रियलिटी से कनेक्ट नहीं करना है, स्टेटमेंट में लिखा है तो लिखा है, करेक्ट? तो इसका क्या करोगे? तो इंडिया शुड इमीडिएटली रिवाइटलाइज इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो वो पहला बताया है कि काम करो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इमीडिएटली ये चालू करवा दो, करेक्ट? करेक्ट। और फिर दूसरा होता है गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली लॉन्च अ मैसिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू द मास मीडिया हाईलाइटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट द प्रेजेंट रेट, व्हिच इज ऑल्सो राइट, राइट, करेक्ट, है ना? मीडिया और मास हाईलाइटिंग से क्या होता है, आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, करेक्ट? तो दोनों अपनी अपनी जगह पर करेक्ट है, स्टेटमेंट फुटपाथ। और ये आइदर और नहीं है कि पहला करूंगा तो दूसरा नहीं, दूसरा करूंगा तो पहला नहीं, दोनों चीजें इधर एक साथ ही करनी पड़ेगी, लोगों में अवेयरनेस दौड़ानी पड़ेगी और दोनों चीजों की एक साथ दौड़ानी पड़ेगी। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुटपाथ्स ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर सेलिंग चीप आइटम्स, है ना? जो रोड बिजी है उन रोड पर फुटपाथ्स तो सारे क्राउडेड हो गए हैं, बहुत सारे वेंडर्स जो है वो यहाँ पर छोटी छोटी सस्ती चीजें बेचा करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन, द हेल्प ऑफ पुलिस शुड बी सॉट टू ड्राइव देम अवे, पुलिस का हेल्प लेकर इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, करेक्ट है? इन अ वे करेक्ट है, क्यों? फुटपाथ जो है वो चलने के लिए है, इन सबको बैठकर चीजें बेचने के लिए नहीं है। और फिर नेक्स्ट में है, सम स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर दे कैन अर्न देयर ब्रेड विदाउट ब्लॉकिंग द फुटपाथ, ये भी राइट है। अगर यहाँ से उनको हटाओगे तो बेचारे से उनका लाइवलीहुड है, वो रोजी रोटी है, तो पैसा क्या करेंगे, तो उनको कोई एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड स्पेस दे दो, उस स्पेस में सारे लोग बैठेंगे और वहां से मार्केट ऑपरेट करवाओ, फ्ली मार्केट्स टाइप की जो चीजें है ना वो। चलिए तो दोनों राइट था, यहाँ पर हम लोग आंसर मार्क करेंगे, क्या मार्क करूंगा मैं, आंसर ई है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सम सीरियस ब्लंडर्स वर डिटेक्टेड इन अकाउंट सेक्शन ऑफ अ फैक्ट्री। तो कोर्स ऑफ एक्शन, एन एफिशिएंट टीम ऑफ ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स, करेक्ट। अगर सीरियस ब्लंडर लगते हैं तो आपको बढ़िया ऑडिटिंग टीम तो लानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट में बताया, शॉकर्स नोटिस शुड बी इश्यू टू ऑल एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी, वो भी करेक्ट है ना, उनको पूछना तो पड़ेगा ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या कर रहे थे, तो दोनों अपने आप में करेक्ट है, आंसर ई। नेक्स्ट पर, रिसर्चर्स आर फीलिंग एजिटेटेड एज द लाइब्रेरीज आर नॉट equipped to provide the right information to the right users at the time in the required format. Even the users are right aware about the various services available to them. तो researcher को problem ये है कि इसे research करने के लिए आपको बहुत सारा data लगता है, बहुत सारी books refer करनी पड़ती है, लेकिन जो libraries है ये equipped है ही नहीं कि उनको right moment, right time, right type की information दे। तो क्या करेंगे, the all the information available to the library should be computerized to provide faster services। कंप्यूटर होने से ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना? अब आप लोग भी तो क्या करते हो, कुछ भी चाहिए तो क्या होता है, एक ही चीज होती है ना, भगवान कौन है, गूगल महाराज, करेक्ट, है ना? तो ऑब्वियसली
कंप्यूटराइज होने से इंफॉर्मेशन जो है वो फास्ट प्रोवाइड होगी, तो वो राइट है। लाइब्रेरी स्टाफ शुड बी ट्रेन इन कंप्यूटर ऑपरेशन, करेक्ट। कंप्यूटराइज खाली कर देने से फायदा नहीं होगा, फिर ऑपरेट कैसे करते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। रिसेंटली आई हैड बीन टू वन ऑफ द प्लेसेस, एक गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, नाम नहीं दूंगा, अननेसेसरीली चीजें लिंक हो जाएगी। नाउ व्हेन आई वेंट दैट पर्सन हैड टू एक्चुअली लुक फॉर एवरी की एंड देन विद वन ऑफ हिज राइट फिंगर्स, मतलब ये राइट हैंड का जो पॉइंटर होता है उससे वो हरेक की जो ढूंढ के वो एक 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 की प्रेस करता था। अब उस केस में कंप्यूटर ट्रेनिंग की जरूरत थी ना उसको, अदरवाइज ही न्यू एवरीथिंग। सो उसके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल था, मशीन अवेलेबल, दैट इज कंप्यूटर अवेलेबल, बट अब ये प्रॉब्लम है कि उसको ऑपरेट करने में इतना टाइम लग रहा था कि प्रैक्टिकली वो मैन्युअली लिख लेता तो जल्दी हो जाता वाला केस, तो वो खाली कंप्यूटराइज करने से काम नहीं होगा, उसको कंप्यूटराइज करो और लाइब्रेरी स्टाफ को उस कंप्यूटर ऑपरेशन में ट्रेन भी करो, तो दोनों राइट है। यहाँ पर वापस ई, सबके आंसर ही नहीं आते हैं, बीच में डी सी सब आ गए, थोड़े ई ज्यादा हो गए मैं समझ रहा हूँ, बट अब जो पेपर में पूछा था वो पूछा था, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मैं तो खाली प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट में पूछा है, मैनी मेडिकल एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इन बैंक्स कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल द प्रोफेशनल शुड बी एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स, है ना। ऐसा कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो। अगर उसने पढ़ा है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है तो जाने देना पड़ता है, यू कैन नॉट से नो, करेक्ट। एंड अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू ब्रिंग सम नॉलेज आइडियाज एंड हिज व्हाटएवर द एजुकेशन इज देयर विद हिम, सो यू कैन नॉट से नो। तो पहला वाला रॉन्ग है। दूसरा, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमिटी टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस प्रोफेशनल टेकिंग अप जॉब्स एंड टू सजेस्ट द रेमेडियल मेजर। हाँ, ये करेक्ट है कि अगर इंजीनियरिंग करने के बाद सबको अगर बैंकिंग में जाना पड़ता है तो प्लीज एक कमिटी बिठाओ और देखो क्या चल रहा है यार। 4 साल इसको गवर्नमेंट अपने पैसे से इंजीनियर बनाता है, टिपिकली 8 से 12 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है एक इंजीनियर रेडी करने के लिए। एंड अल्टीमेटली व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू बैंक, ही विल बिकम अ ऑफिसर और अ क्लर्क देयर। तो कमिटी बिल्कुल चाहिए टू फाइंड आउट हो क्या रहा है और क्यों ये लोग अपनी स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, इनका उधर एजुकेशन ठीक नहीं है, कोर्स आउट ऑफ डेटेड है, या टीचर्स फैकल्टीज ट्रेन नहीं है जो उनको उधर ठीक से पढ़ाए, या वो लोग ठीक से एम्प्लॉयबल ही नहीं है कि इंजीनियरिंग में जॉब मिले। देर आर सो मैनी डिफरेंट रीजंस, तो वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और कब फाइंड आउट करेंगे, जब एक कमिटी बनेगी तब। ज्यादातर केसेस में जहां पर भी कमिटी बनाई जाती है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको करेक्ट ही बताते हैं। क्यों करेक्ट बताते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जैसे सोचना होता है और गवर्नमेंट सब हर एक चीज में क्या करेगी, कमेटी बिठाएगी, करेक्ट। तो कहीं पर भी कमेटी बिठती है ना, तो इतना समझ लो कि दैट इज अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वो करेक्ट आंसर है, उतना मान के चलो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यू टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेयर्स बाय डिफरेंट एयरलाइन सर्विसेज लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। नेक्स्ट वाले में खाली सेकंड आंसर आया था, मैं वैसा मार्क करना भूल जाता हूँ, तो खाली ये सेकंड आया तो क्या करोगे, बी आंसर करना है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। ड्यू टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फेयर्स बाय डिफरेंट एयरलाइन सर्विसेज लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स सो फार ट्रैवलिंग बाय द अपर क्लासेस इन द ट्रेन्स हैव स्विच्ड टू द एयरलाइन। अब एयर फेयर इतने कम हो गए हैं कि प्रैक्टिकली ट्रेन के सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास जितने फेयर्स ही होंगे, तो ट्रेन का पहले से बुकिंग कराओ। अब इतना ओवरनाइट जर्नी या लॉन्ग टाइम का जर्नी करो, कौन करेगा, सीधा प्लेन में चला जाऊंगा ना कहीं पर भी। तो कोर्स ऑफ एक्शन, रेलवे शुड इमीडिएटली रिड्यूस फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अपर क्लासेस सब्सटेंशियली टू रिटेन द पैसेंजर्स, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ट्रेन और प्लेन के फेयर सेम हो गए, मतलब ट्रेन में रिडक्शन जरूरी है। रेलवे शुड रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस, ना वो थोड़ी लॉजिकल है कि एक काम करो, कैपेसिटी कम कर दो ताकि उधर जाना है तो उधर चले जाओ, नो, है ना। हमारे कस्टमर कहीं और जा रहे हैं तो उसको वापस लाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बंद करना होता है। अगर आज लोग ए कंपनी का टेलीविजन परचेस कर रहे हैं, उसमें से बी पर शिफ्ट होंगे, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि ए कंपनी बंद कर दो, मतलब ये होता है ए कंपनी को बोलो अच्छी क्वालिटी बनाए, ज्यादा नए मॉडल लाए, है ना, ताकि कस्टमर्स वापस आ पाए। तो ओनली फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, यहाँ पर आप आंसर मार्क करोगे ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, दी ए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट
मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब जो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है वो है ना, has forecast that service severe cyclone storm would hit the coastal Andhra Pradesh and Orissa in the next 48 hours. उन्होंने बताया AP and Orissa में next 48 hours में severe cyclonic storm शायद आने वाला है. तो course of action, local administration should advise the fishermen not to go to the dangerous area. Right, right, है ना? उस time पर अगर आप newspaper पढ़ते हो ऐसा ऐसे cases और हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो एपी एंड ओडिशा में ही ये होता है ना, क्योंकि वो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो भी सी एरिया है वहां पर नॉर्मली लो प्रेशर बनता है, तो वो जो लो प्रेशर एरिया बनता है उससे सबसे ज्यादा साइक्लोन एपी ओडिशा जो है उसके आसपास में ही आते हैं, है ना. एंड देयर एक्चुअली देयर गवर्नमेंट्स परफॉर्म रियली वंडरफुल टास्क टू मेक श्योर दैट lot of lives have been saved, lot of other property and everything has been saved, hai na. So government unki dono states ke actually bahut badhiya perform karti hai us time par. To kya karte hain wo log, sabse pehla ye karte hain ki ye fishermen ko batate hain ki abhi mat jao, hai na, not to venture into the seas for fishing. Fir jo coastal area mein log hote hain unko wahan se door shift kar dete hain. सीधी सी बातें करना पड़ेगा, दोनों आंसर में आएंगे, है ना, दोनों आएगा मतलब आंसर हम लोग ई कर लेंगे, करेक्ट. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट बताया है, देयर हैज बीन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ द इंटरनेट हैकिंग इन द रीसेंट मंथ्स क्रिएटिंग पैनिक अमंग द इंटरनेट यूजर्स. तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी शुड मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू नैप दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल्स एंड पुट देम बिहाइंड द बार्स. एग्जैक्टली, हाँ वही तो, गवर्नमेंट को करना तो पड़ेगा ना वो. एंड सबको छोड़ कैसे सकते हैं कि चलेगा चलेगा, नहीं छोड़ सकते, करेक्ट. तो फर्स्ट राइट है, द इंटरनेट यूजर शुड बी एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग द इंटरनेट, नॉट पॉसिबल, है ना. तो सी वो नहीं पता है सर, दो दिन खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप तो चाहिए ही चाहिए. हमारे जो बच्चे आते हैं ना क्लास में वो टिपिकली इस हिसाब से बात करते हैं. ये थोड़ा लाइटर साइड पर मैंने ऐसा खाली मजाक में बताया, बट इंटरनेट का यूज करना मतलब खाली व्हाट्सएप नहीं होता है ना. इंटरनेट का यूज जो है उसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, स्टॉक मार्केट पूरा उसके ऊपर चलेगा, पूरा आईटी टेलीकॉम जो है वो उसके ऊपर चलेगा. तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा. तो इंटरनेट बंद थोड़ी कर सकते हैं, स्टे अवे के लिए नहीं बता सकते, उसका सॉल्यूशन ही लाना पड़ेगा पहली तरीके से. तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग. आंसर मार्क क्या करूंगा यहाँ पर, ए मार्क करूंगा, है ना. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. The Union Ministry of Tourism and Civil Aviation has fixed an annual target of 10,000 crore by the way of tourism earning towards the end of the current decade. The course of action, there is no need to develop a further new tourist spot to meet this target. नहीं, अगर कुछ भी नया करोगे ही नहीं तो टारगेट मेट ही नहीं होंगे. नए टूरिस्ट स्पॉट्स बनाने पड़ेंगे तब तो लोग आएंगे ना, वरना कौन आने वाला है, कोई नहीं. तो फर्स्ट राउंड, Ministry should evolve attractive packages to woo the foreign tourist. Correct. तो दूसरा right, पहला wrong. Answer mark करूंगा मैं यहाँ पर B. Next पर चलते हैं हम लोग. A large number of students have been caught using the unfair means during the final year degree examination. है ना? तो course of action क्या करेंगे? All the students should be debarred permanently from appearing any examination conducted by the authority. Now, see, cheating करते पकड़े गए मैं समझ लाऊं, लेकिन permanently debarred नहीं कर सकता हूं. Permanently debarred का मतलब फिर उनको कभी भी एग्जाम देने मत दो. नॉर्मली क्या करता है, 6 महीना या 1 साल जाने दो, या कोई पहली बार है छोटी सी चीज है तो उनको वार्निंग दे दो, या पनिशमेंट है तो भी लाइफ टाइम नहीं होती है. 6 months, 1 year sort of punishment has to be given, और उसके बाद उनको वापस exam के लिए eligibility ये दी जाती है. तो first wrong है. Second, ज्यादातर cases में आप actual case में क्या होता है देखोगे ना, तो you will come to know. The guardians of the student should be called by the authority to inform them that any such behavior in the future will not be tolerated. है ना? ये करना पड़ेगा. See, any such खाली guardian को बुलाकर फ्यूचर में टॉलरेट नहीं करूंगा, ये भी तो सॉल्यूशन नहीं है ना.
क्योंकि ए क्यों अभी भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, टॉलरेट तो नहीं करना है, अभी भी नहीं करना है, तो ये भी ए रॉन्ग है, तो बोथ रॉन्ग, मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट। आगे दी अलर्ट विलेजर्स कॉट अ ग्रुप ऑफ ड्रेडेड डेकॉइट्स आर्म्ड विथ मर्डरर वेपन्स, है ना। विलेजर्स अलर्ट थे तो उन्होंने डेकॉइट्स को, डेकॉइट्स क्या होता है, जो डाकू होते हैं वो, दे वर ऑल्सो आर्म्ड विथ मर्डरस वेपन्स, वेपन्स के साथ दे कुड एबल टू कॉट देम, उनको वो डाकू जो भी थे उन लोगों को पकड़ लिया। कोर्स ऑफ एक्शन, नाउ विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड सोफिस्टिकेटेड वेपन, ना नहीं, एक बार पकड़ा मतलब वो उनका काम थोड़ी है यार कि अब उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दो तो बोले तुम ही जाके हर बार हर जगह पर डेकॉइट्स को पकड़ना, तो वो रॉन्ग है। नेक्स्ट में बताया विलेजर शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट करेज एंड यूनिटी, करेक्ट, है ना। नॉर्मली रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ द अप्रिसिएशन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, समटाइम्स इफ इट इज अ हाई ब्रेवरी देन देयर आर लॉट ऑफ ब्रेवरी अवार्ड्स आर आल्सो गिवन इन आवर कंट्री, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव सच सिस्टम। तो सेकंड इज राइट, मतलब आंसर हम लोग बी करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब यहाँ पर तीन तीन ऑप्शन आ गए है ना, तो शायद हमारा पहले वाला जो एबीसीडी था वो लॉजिकली नहीं बैठेगा, तो अब जो जो कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट होंगे दैट आई कीप ऑन टेलिंग। बताया एनी फर्दर इंक्रीज इन द पॉल्यूशन लेवल इन द सिटी बाय वे ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब होता है जो भी चीजें काम की नहीं है ना, जो बच जाता है वैसी सारी चीजें इंडस्ट्री में कुछ बनाने के बाद, मतलब एफ्लुएंट मतलब जो कचरा छोड़ देते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वुड पॉज अ सीवियर थ्रेट टू द इनहिबिटेंट, तो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट पार्ट है और इंडस्ट्रियल के एफ्लुएंट्स है, उन दोनों से अगर थोड़ा भी ज्यादा दोनों में इंक्रीज हुआ ना, तो सिटी में जितने भी लोग इनहिबिटेंट्स मतलब रहते हैं उन सबके लिए सीवियर थ्रेट है, थ्रेट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब इंडस्ट्रीज से थोड़ा भी पॉल्यूशन बढ़ा या तो ऑटोमोबाइल से थोड़ा भी पॉल्यूशन और बढ़ा तो सीवियर कंडीशन हो जाएगी जितने भी सिटी में रहते हैं सिटीजंस या तो ह्यूमन, उन सब के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ऑल फैक्ट्रीज इन सिटी शुड बी इमीडिएटली बी क्लोज डाउन, कर सकते हैं सारी फैक्ट्रीज बंद कर दो इमीडिएटली ना, हाँ अगर कुछ होता या जो ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है वैसा होता तो राइट होता, सारे बंद नहीं कर सकता मैं, समझो सारी पॉल्यूशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी फैक्ट्री पॉल्यूशन करती होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऑल का प्रॉब्लम है और मैंने पहले ही बताया था कहीं पर भी ऑल या ओनली आता है मतलब वो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है ना। यहाँ पर सम फैक्ट्रीज होता तो राइट हो जाते, ये जो पॉल्यूशन कर रही है वैसी होती तो राइट हो जाती। फिर बताया दी ऑटोमोबाइल शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले ऑन दी रोड फॉर मोर देन 4 hours अ डे, अगेन लॉजिकल नहीं है, वो कौन से 4 घंटे, क्यों खाली 4 घंटे, तो वो अगेन सेट नहीं करेगा। और फिर बताया दी गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट द इश्यू ऑफ दी फ्रेश लाइसेंसेस टू ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, ये करेक्ट है, अब जितनी हो है या आ गई है वो आ गई है और सिटी एरिया में नहीं आने देंगे या और व्हीकल्स इससे ज्यादा नहीं आने देंगे, या ऐसा भी कोर्स ऑफ एक्शन इसमें हो सकता था 10 साल से पुराने व्हीकल नहीं, पीयूसी नॉर्म्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दो, तो ऐसी सारी चीजें अगर करते हैं तो उनको राइट माना जाएगा। तो यहाँ पर खाली थर्ड राइट है, तो ओनली 3 फॉलोस विच इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट में बताया है The lack of coordination between university, its college and various authorities have resulted in the students outset from one college seeking migration to other. अब बताया है university और उसकी colleges के बीच में coordination ठीक से नहीं है, इसलिए किसी student को whatever, because of whatever reasons, है ना, शायद disciplinary reason हो, शायद और किसी चीज का हो, अगर एक college से निकालते हैं तो वो दूसरी में जाके एडमिशन ले लेता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में यूनिवर्सिटी और उसकी सारी कॉलेजेस के बीच में क्या नहीं है, उनके बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, है ना, वो एक दूसरे से ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो क्या करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या आएगा,
इफ अ स्टूडेंट इज आउटस्टेट फ्रॉम अ कॉलेज, आउटस्टेट करने का मतलब कॉलेज से निकालना. If a student is outstayed from a college, the information should be sent to all other colleges of the university. Correct है? ना वरना उनको कैसे पता चलेगा कि ऐसा केस है. तो सीधी सी बात है, ये राइट है. फिर बताया है, admissions to all the colleges of the university should be handled by the university directly. अब ये logical है कि admission directly university को बोल दो, तुम admission करो ताकि तुमको तो पता ही है इधर से गया इधर आया. बट कितने की एडमिशन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली करेगी? अगर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, उसके अंडर में बहुत सारी कॉलेजेस है, तो वो लॉजिकल नहीं है. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहां पर पॉसिबली या इजीली नहीं हो पाएगा उस केस में. तो ये रीजनेबल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको रॉन्ग कर रहा हूँ. सेपरेट सेक्शन शुड बी मेड फॉर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट. बच्चे के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं करते. और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए नहीं बनाना है यार, खाली इतने लिए है कि कुछ हुआ होगा तो दूसरे में मत देना, संभालना, दैट्स इट. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. ओनली फर्स्ट इज राइट, ओनली वन फॉलोस इस केस में. नेक्स्ट पर चलते हैं. ओवर 27,000 बॉन्डेड लेबरर्स आइडेंटिफाइड एंड फ्री आर स्टिल अवेटिंग रिहैबिलिटेशन. बॉन्डेड लेबर्स का मतलब होता है बंधुआ मजदूर जो हुआ करते थे ना, मतलब जो पुराने मूवीज में बताते थे, पता है एक जमींदार होता है वो लाला, और फिर सारे उसके उधर काम करते हैं, रोज के 14-16 आवर्स काम करेंगे, तब मुश्किल से बेचारों को दो टाइम का खाना मिलेगा, वैसी वाली कंडीशन. तो वो है ना, तो बंधुआ मजदूर बाउंडेड लेबर्स. तो 27,000 ऐसे आइडेंटिफाई करके छुड़वाए हैं, बट अभी भी उनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ. रिहैबिलिटेशन मतलब उनको हाउस देना, उनको जॉब देना, उनको कहीं पर सेटल करना, वैसा नहीं हुआ है. तो अब क्या करना चाहिए? मोर केसेस ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स शुड बी आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए और केसेस? अब है ना, फिर नेक्स्ट में पूछा, टिल दी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल बॉन्डेड लेबर शुड नॉट बी फ्रीड. और फिर बताया है, द इंपेडिमेंट्स इन द वे ऑफ स्पीडी एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबरर शुड बी रिमूव. तो ये वाला राइट आएगा और ये भी राइट आएगा, है ना. और केसेस जो है वो आइडेंटिफाई करो, उनको छुड़वाओ, और ये क्यों नहीं हुआ है. ये इंपेडिमेंट्स का मतलब होता है अड़चने. ये अड़चने क्या रही है, ये रुका हुआ क्यों है इनका रिहैबिलिटेशन, ये जानो, और वो जो रुकावटें हैं वो दूर करो ताकि इनका रिहैबिलिटेशन हो पाए. लेकिन सेकंड रॉन्ग है ना, इनको नहीं बसा पाया वापस कहीं पर, मैंने इनको नहीं बसाया है, दैट डजंट मीन के इन सबको भी बचाओ नहीं आप, है ना. बचाना और बसाना दो अलग बात होती है. करेक्ट, यहाँ से हम लोग इनको फ्री कर रहे हैं तो बचा रहे हैं, फिर इनको कहीं पर रिहैबिलिटेट कर रहा हूँ, मतलब उनको बसने के लिए मैं घर जगह जॉब सब दे रहा हूँ, जमीन व्हाटएवर. तो कहीं बसा नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि वैसे ही फंसने देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, है ना. सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट. तो ओनली वन फॉलोज एंड थ्री फॉलोज. तो यहाँ पर ये ऐसे ऑप्शन होंगे, 1, 2, 1, 3, ओनली 3, ओनली 1. तो 1 एंड 3 को आप ठीक करोगे, वो दोनों एक साथ राइट है यहाँ पर. नेक्स्ट में बताया, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट फ्रॉम द म्युनिसिपल स्कूल हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आफ्टर विड्रॉल ऑफ द मिड डे मील स्कीम. तो मिड डे मील स्कीम, गवर्नमेंट जो है ना वो म्युनिसिपल स्कूल में आफ्टरनून में बच्चों को मील, मतलब खाना प्रोवाइड करती है फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं होता है, सीधी सी बात. तो वो बंद कर दिया, तो म्युनिसिपल स्कूल से काफी सारा विड्रॉल है, मतलब काफी सारे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, अपने अपने नाम कमी करवा लिए. तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड रीकंसीडर इट्स डिसीजन ऑफ विड्रॉइंग द मिड डे मील स्कीम. करेक्ट करेक्ट, है ना, बिल्कुल. अगर वो उसके बाद चले जाने से, इसमें ऐसा हो सकता है कि दोज हु आर वेरी पुअर, है ना, उनको उस बहाने वहां पर खाना मिल जाता था, अगर वहां पर नहीं मिलता तो नाउ दे नीड टू वर्क टू गेट दी फूड. अब वर्क करने जाएंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे, तो इसलिए शायद दे में है विड्रॉन देयर नेम्स. तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन रिकंसीडर करके मिड डे स्कीम मील की वापस चालू करनी चाहिए, लॉजिकल है. गवर्नमेंट शुड क्लोज डाउन
some of the municipal schools and government should carry out a detailed study to find out the reasons for school dropouts. So second wrong, वापस third भी right है ना? लोगों ने withdraw करा तो school बंद मत करो, वापस उनको school तक लेके आओ. और क्यों ऐसा हुआ है? जानने की कोशिश करो reasons, ताकि reasons पता चलेंगे, गलती क्या हुई है उसके, तो ही आप उसमें remedial suggestions कर पाओगे, वरना कभी नहीं कर पाओगे. There has been an unprecedented increase in the prices of the essential commodities during the past few days due to strike call given by the transport association. Transporters का जो association है, इसने strike call कर दिया. तो सीधी सी बात है ना, चीजों के supply नहीं होंगे, groceries supply नहीं होगी, vegetable supply नहीं होगी, milk supply नहीं होगी. सब कुछ transport तो करना पड़ता है, dairy से आपके घरों तक या तो villages से, APMC markets, APNC markets to your places. वो सब बंद हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्राइक पर है, तो वो सब बंद हो गया तो सप्लाई नहीं होगा. सप्लाई नहीं होने से या सप्लाई कम होने से सीधी सी बात है कि प्राइसेस बढ़ती है. तो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शुड बी ऑर्डर बाय गवर्नमेंट टू इमीडिएटली विथड्रॉ दिस स्ट्राइक और एल्स दे विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा, अगर उनको लगता है ना कि ये इन लोगों ने गलत स्ट्राइक कॉल दिया है और उसकी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो रही है एंड पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कर सकती है ऐसा. गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन द मार्केट. ये भी अपने आप में राइट है कि दूसरा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी करो. और फिर बताए, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल एंड पुट ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द बार्स. ये नहीं करना चाहिए, अगर स्ट्राइक के पीछे जो भी है उनको बिहाइंड द बार ले लोगे तो मतलब जेल में रख दोगे, तो बाकी जो है वो और गुस्सा हो जाएंगे और फिर तो कभी भी स्ट्राइक खत्म नहीं होगी. तो रादर इसकी जगह पर उनसे बात करो, एसोसिएशन से डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके रिमेडियल सॉल्यूशंस लेके आओ. राइट, तो फर्स्ट सेकंड राइट, थर्ड जो है वो रॉन्ग है. और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. A large number of students studying in municipal schools could not pass their 10th standard board examination, causing the frustration among the students and their parents. है ना? तो municipal school में जो बच्चे पढ़ते थे उसमें से बहुत सारे उनके 10th board का exam नहीं pass कर पाए. तो exam नहीं pass कर पाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, बच्चों को frustration आएगा और उससे ज्यादा किसको आएगा? उनके पेरेंट्स को, है ना. हमेशा ऐसा ही होता है, व्हेन यू क्लियर द एग्जाम आप खुश हो, उससे ज्यादा आपके पेरेंट्स खुश होते हैं और आपके टीचर्स भी खुश होते हैं. आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम पास करता है, जब भी पास करता है, प्लीज सेंड मी अ मैसेज कि सर आपका वीडियो देखा था, मैं एग्जाम पास किया है. आई विल बी सो 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 हैप्पी फॉर यू, बिलीव मी. और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? द म्युनिसिपल अथॉरिटी ये शुड इमीडिएटली रिव्यू द पोजीशन एंड इनिशिएट मेजर्स टू इंप्रूव द सिचुएशन. हां बिल्कुल, मतलब पेपर डिफिकल्ट निकला था या तो एजुकेशन का लेवल कम था, है ना, या टीचर्स कोई ठीक से नहीं आता था बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, जो भी रीजन रहे होंगे, बट वो आइडेंटिफाई करके इंप्रूव तो करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इज राइट, द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली फिल अप द टीचर्स वैकेंसीज इन द म्युनिसिपल स्कूल. तो फटाफट वैकेंसी फिलअप कराओ. अब वैकेंसी फिलअप करने से सीधा 12th बोर्ड का रिजल्ट, और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 10th बोर्ड में टीचर्स नहीं थे, बच्चे पढ़ नहीं पाए इसलिए रिजल्ट नहीं आया है, और रीजन भी हो सकता है. तो फटाफट वैकेंसी फिलअप करना लॉजिकल नहीं है. म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड क्लोज डाउन सम ऑफ दैट स्कूल्स एंड कंसंट्रेट ऑन द रिमेनिंग. ये वापस अगेन रॉन्ग. मैं हमेशा बताता हूँ, बच्चे पास नहीं होते मतलब स्कूल बंद नहीं करना होता है. That is wrong. अगर आपकी कंपनी से लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं तो आप कंपनी बंद नहीं करते हो, प्रोडक्ट इंप्रूव करते हो. So that is wrong. ये नेगेटिव है, पता है? इनिशियली जब मैं समझा रहा था तो मैंने बताया था डिसीजन हार्श नहीं होते हैं, डिसीजन नेगेटिव नहीं भी नहीं होते. वो हार्श डिसीजन नहीं होते इसीलिए जब बच्चे चीटिंग करते पकड़े गए थे तो लाइफ लॉन्ग एग्जाम देने का बंद करवा, उसको भी हमने रॉन्ग करा था. तो यू डोंट टेक हार्श डिसीजंस, यू डोंट टेक द नेगेटिव डिसीजंस. Are we sure? तो यहाँ पर खाली first right, second and third is wrong. तो क्या answer mark करूँगा? Only one. Sorry, है ना, ये नहीं, one.
आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे, आपको ये सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे लगे. क्यों आंसर दिया, कैसे सोचना है ये भी आप समझे. और